का हमारे YouTube चैनल परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पा रहे हो तो प्लीज जो सब्सक्राइब लिखा है उसे सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप नए नए वीडियो को देख सके। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। और पूरा देखने के बाद आज एक मोस्ट वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। मान लो किसी भी केस में कोई व्यक्ति अगर झूठी गवाही देता है तो वो जेल जा सकता है, 1 से 3 या 7 साल की सजा हो सकती है। लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी भी गवाह, किसी भी मुकदमे में गवाह है, अगर वो जानते हुए भी झूठी गवाही देता है तो वो जेल जा सकता है। कौन से सेक्शन में आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं बरी होने के बाद, दोस्तों उस सेक्शन के बारे में आप जान लेते हैं। उस सेक्शन के बारे में आप देखें, IPC 191 में स्पष्ट कहा गया है, कोई भी व्यक्ति झूठा साक्ष्य देता है, मौखिक हो या लिखित हो, अगर वो झूठा साक्ष्य देता है तो वो कानून की नजरों में दोषी माना जाता है। उसी तरह IPC की धारा 192 में स्पष्ट कहा गया है कि झूठा साक्ष्य गढ़ना, मढ़ना या दस्तावेज में हेर फेर करना या सिग्नेचर में हेर फेर करना या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो दोषी या मुलजिम व्यक्ति बच सकता है। उसको पता है कि हमने झूठ बोला है, हमने ये सिग्नेचर गलत किया है, हेरा फेरी की है, पता होने के बावजूद कि झूठ बोलता है, गलत साक्ष्य देता है, तो वो व्यक्ति भी कानून की नज़र में दोषी माना जाता है। इसी प्रकार IPC की धारा 193 में स्पष्ट कहा गया है, कोई भी व्यक्ति अगर न्यायिक प्रक्रिया में झूठा साक्ष्य देता है या गढ़ता है या मढ़ता है, झूठा साक्ष्य देने पर उस व्यक्ति को 7 साल की सजा हो सकती है। इसी के साथ साथ किसी अन्य मामलों में भी, जैसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केस है, उस मामले में भी अगर वो गवाह है, उसमें भी झूठा साक्ष्य या झूठी गवाही देता है तो वो व्यक्ति 1 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान में 1 से 3 साल की सजा वो या जेल जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये तीनों जो मैंने सेक्शन बताए हैं, इनमें स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी केस में, क्योंकि गवाही से पहले वो शपथ पत्र पेश करता है, शपथ पत्र में अगर जो लिखा है उसके अलावा या 161 के बयान में जो लिखा है उसके अलावा साक्ष्य देता है या झूठी गवाही देता है तो उस व्यक्ति को 7 साल की सजा या जेल में जाना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, ये कब होता है, जब आपके खिलाफ किसी व्यक्ति ने झूठी गवाही दी, आप जेल जा सकते हो या बरी होने के बाद, आप बरी होने के बाद ही उन व्यक्ति या उन गवाहों के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इनमें जो व्यक्ति फंस जाता है, वो व्यक्ति इस अपराध में समझौता करने योग्य नहीं रहता, क्योंकि जो व्यक्ति गवाही झूठी देता है तो वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने बरी होने के बाद उनके खिलाफ केस किया है, वो व्यक्ति इन व्यक्तियों से समझौता करने योग्य नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों, चलो बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।